नाम अरुण कुमार है। आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे लघु उद्योग के बारे में। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लघु उद्योग के लिए कि हम क्या करें। आजकल लोग परेशान रहते हैं कि हम लोग करें क्या, किस बिजनेस में हाथ डालें। आज हम इस छोटी सी चर्चा के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। शायद हो सकता है आप कुछ लोगों को मेरा आइडिया पसंद आए, तो इसमें आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से एक छोटा सा लघु उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं अंदर। ये है सेलो टेप। इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी यूज़ होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसे कम लागत से स्टार्ट किया जा सकता है। आइए बताते हैं आपको। इसके लिए ये आप 12 इंच की छोटी मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपका 12 इंच के छोटे रोल आएंगे जो आपके इस ब्लेड की सहायता से आप इसको साइज़ में काट सकते हैं, अलग अलग साइज़ में काट सकते हैं और इसे आप अपना एक छोटे से एरिया में भी स्टार्ट करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसे आप डेवलप भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं कि आगे आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें तो ये आप बड़ी मशीन लगा सकते हैं। इसका साइज 42 इंची होता है और इसका रॉ मटेरियल भी आसानी से आपको मिल जाता है, जैसे 42 इंची के जंबो होते हैं और इसे आप अलग अलग साइज़ में काट सकते हैं। इसे आप आगे भी बढ़ना चाहें इस लाइन में तो आप काफ़ी दूर तक बढ़ सकते हैं, इसमें काफ़ी स्कोप है। आइए आपको दिखाते हैं इस मशीन के बारे में कुछ। इस मशीन में आगे की तरफ रोल लगेगा और पीछे दो सापट में कटिंग होगी। सेंटर में आपके ब्लेड होंगे, आप जिस साइज में काटना चाहें उसे काट सकते हैं। राइट साइड में आपका मीटर होगा, जो आप मीटर सेट करेंगे उसी मीटर से आप उसे डिवाइड करके बेच सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। आइए अब चर्चा करते हैं इस मशीन की प्राइस के बारे में। 12 इंच की जो मशीन है इसका प्राइस आप न्यू लेंगे तो आपका 50,000 से 55,000 के बीच में ये आपको पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक कोर कटर चाहिए होगा जो 25,000 से 30,000 रुपये का बनेगा, यानी कि आपका जो छोटा लेवल पे सेटअप है वो 1,00,000 के अंदर अंदर आपका मशीन सेट हो जाएंगी। इसके अलावा आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो है वो अलग अलग क्वालिटीज़ में आता है। इसमें थिकनेस का मैटर होता है कि थिकनेस कितनी होती है, उस हिसाब से भी मार्केट में ये चलता है, उस हिसाब से आप ऑर्डर परचेज करें। आप पहले मत ले लें कि कितना आपको स्टॉक रखना है, आप पहले मार्केट कीजिए, किस हिसाब से मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही आप अपना ऑर्डर का परचेज कीजिए इंडस्ट्रियल एरिया में। इसके अलावा आप बढ़ाना चाहते हैं बिजनेस को और बड़ी मशीन लगाना चाहते हैं 42 इंची में, तो 42 इंची में आपके भी इसी हिसाब से रोल मिलेंगे 42 इंची में और इसकी मशीन की कॉस्ट होगी 2.5 से 3,00,000 के बीच में आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी। कोर कटर आपका वही रहेगा, सिर्फ ये मशीन जो है आपकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप इसको खुद ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं से कुछ ट्रेनिंग, थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको 10 दिन के लिए, उसके बाद आप खुद ऑपरेट कर सकते हैं इसको और माल काट कर खुद बेच सकते हैं। इससे आप बहुत कम एरिया में और बहुत कम लागत से एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।